हेलो गाइस, दिस इज बीके माथुर, अ मैथमेटिक्स टीचर। वीडियो नंबर 5, सीक्वेंस इन सीरीज। इसके अंदर कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं बहुत, ठीक है। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी से कोई लेना देना नहीं है, तो पुराना एपीजीपी का कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल देखिए गाइस, इफ ए बी सी आर इन एपी देन शो दैट दिस 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 आर ऑल्सो इन एपी। दिस इज एक्स्ट्रा क्वेश्चन, नॉट फ्रॉम एनसीईआरटी, राइट, इंपॉर्टेंट वन। तो देखिए, हमें प्रूफ करना है कि ये तीन टर्म्स एपी के अंदर हैं। देखो गिवन क्या है, यहां पर गिवन है कि ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन एपी, ये एपी में है। और अगर एबीसी एपी में है तो इसका मतलब ये होता है कि बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी, मतलब कॉमन डिफरेंस सेम होता है। और इसको मैं बोल सकता हूँ ट्वाइस ऑफ बी, मतलब बी इधर लाके मैं ट्वाइस ऑफ बी, यानी इस टाइप से ट्वाइस ऑफ बी इज इक्वल टू सी प्लस ए। और ये बातें मैं प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका हूं कि जब भी तीन चीज एपी में होंगी तो बीच वाले का ट्वाइस सम ऑफ एक्सट्रीम होगा, ठीक है। तो ये कंडीशन आपको यहां पर दी हुई है। ओके, टू प्रूफ क्या करना है हमें, टू प्रूफ करना है कि ये चीज एपी के अंदर है। ऑलराइट, तो हम यहां पर ना अज्यूम कर लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं, अज्यूम दैट कि ये तीनों के तीनों एपी के अंदर है। वन अपॉन रूट बी प्लस रूट सी कॉमा वन अपॉन रूट सी प्लस रूट ए कॉमा वन अपॉन रूट ए प्लस रूट बी आर एन एपी, ये हमने अज्यूम किया, ठीक है। अगर ये एपी में है तो ये इस प्रॉपर्टी को फॉलो करना चाहिए, लाइक तीन टर्म अगर एपी में होते हैं तो बीच वाले का डबल इन दोनों का सम होना चाहिए, या फिर कॉमन डिफरेंस वाली बात बोल दो कि इसमें से ये माइनस हुआ और इसमें से ये माइनस हुआ इक्वल टू इक्वल, यानी ये वाली बात। तो मैं वही बात यहां करने वाला हूं, रूट सी प्लस रूट ए माइनस वन अपॉन रूट बी प्लस रूट सी, ठीक है। कीप ऑल इन ब्रैकेट टू अवॉइड मिस्टेक्स, ऐसे यहां पर रूट ए प्लस रूट बी माइनस ये हो जाएगा रूट सी प्लस रूट ए, इसको ब्रैकेट में रखो, एलसीएम ले लो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, और आपस में होगी मल्टीप्लाई वगैरह। तो मल्टीप्लाई के बाद आपका यहां बचेगा रूट बी माइनस रूट सी और अपॉन में बचेगा रूट बी प्लस रूट सी, ठीक है। आफ्टर सॉल्विंग दिस ऑल यहां पर भी आपका बचेगा, एक्चुअली मैं आपको पूरा ही चलो बता देता हूं एक बार, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसकी इसमें होगी तो आएगा रूट बी प्लस रूट सी, ठीक है, माइनस इसकी इसमें होगी तो आएगा रूट सी माइनस रूट ए, क्योंकि माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे। अपॉन में ऐसे ही रहने दो, अपॉन वाले को मत छेड़ो, जैसा है वैसे के वैसे ही रहने दो उसे, ठीक है जी। यहां पर भी देखो रूट सी प्लस रूट ए हो जाएगा और माइनस जब जाएगा तो रूट ए माइनस का रूट बी हो जाएगा। अपॉन वाले को डिस्टर्ब मत करो, जैसा है वैसा का वैसा ही रहने दो, लाइक दिस। अब देख रहे हो, इससे ये ब्रैकेट हो गया कट, यहां क्या हुआ, यहां सी से सी कट हो गया तो बचा रूट बी माइनस रूट ए। मैं डायरेक्ट एक्चुअली इस स्टेप पे आ रहा था, ठीक है, बट फिर मैंने सोचा चलो बता देता हूँ वरना आप कंफ्यूज भी हो सकते हो। रूट सी माइनस रूट बी और अपॉन में बचा रूट ए प्लस रूट बी, यहां तक बात आ गई, ठीक है। अब कर दो उनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, ब्रैकेट लगाए रखो ताकि मिस्टेक ना हो। इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी, इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी क्रॉस, तो मैं यहां करके आपको ये बता रहा हूं, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद कुछ ऐसा आएगा जैसे रूट ए की रूट बी में होगी तो आएगा रूट ए बी, ठीक है, रूट ए की ए में होगी तो खाली ए आएगा, रूट बी की रूट बी में होगी तो खाली बी आएगा, और रूट बी की ए में होगी तो माइनस का रूट ए बी आएगा, ठीक है। इज इक्वल टू रूट बी की सी में होगी तो रूट बी सी आएगा, ठीक है, रूट बी की बी में होगी तो खाली बी आएगा, और रूट सी की इसमें होगी तो खाली सी आएगा, और रूट सी की इसमें होगी तो माइनस का रूट बी सी आएगा, ठीक है। अब देखो कुछ कट रहा होगा, इस चीज से ये कैंसिल हो गया और इस चीज से ये कैंसिल हो गया, यानी माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस बी प्लस सी आ गया, ठीक है। और फर्दर मैं एक काम करता हूँ, बी को उठा के इधर ले आता हूँ तो बी और बी टू बी हो गया, और सी को ए को उठा के उधर लेके जाता हूँ तो ए प्लस सी हो गया, यानी ये कंडीशन मेरे को अचीव हुई, ट्वाइस ऑफ बी इज इक्वल टू ए प्लस सी, और ट्वाइस ऑफ बी इज इक्वल टू ए प्लस सी हमारे पास ये कंडीशन आ चुकी थी। इसका मतलब ए बी सी एपी में है, इसका मतलब जो हमने अज्यूम किया था कि ये एपी में है, इसको अज्यूम करने से सॉल्व करने से हमें ये कंडीशन मिल गई, और ये कंडीशन तो जब ही मिलेगी जब ए बी सी एपी में होंगे, तो इसका मतलब आवर अजम्पशन जो हमने अज्यूम किया था कि ये एपी में है वो करेक्ट है, तो आर अजम्पशन इज करेक्ट, इज करेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन को किया जा सकता है, हैंस प्रूफ, प्रूफ हो गया कि ये तीनों टर्म एपी में है, ठीक है, समझ आया। मतलब कंडीशन दी हुई है कि एबीसी एपी में, एबीसी अगर ईपी में तो ये कंडीशन अचीव होनी चाहिए, हमने ये लेट किया कि ये एपी के अंदर है, और एपी को सॉल्व करते 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 हमें वही कंडीशन मिल गई जो ये वाली थी, है ना। तो इनडायरेक्टली ये जो हमने अज्यूम किया था, हमारी अजम्पशन करेक्ट
साबित हुई, हमने सही माना था। देखिए एक न्यूमेरिकल और, दिस इज ऑल्सो एक्स्ट्रा वन। इसमें कहा ए वन ए टू ए एन आर एन ए पी देन शो दैट समथिंग इज इक्वल टू समथिंग। ऑल राइट, तो विल टेक लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, देखो डी क्या होगा यहाँ, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस होगा ए टू माइनस ए वन, यानी ए टू माइनस ए वन कहीं आएगा तो वहां डी लिखा जाएगा। ठीक है, या फिर मैं बोल सकता हूँ वो ए थ्री माइनस ए टू भी हो सकता है, भाई कॉमन डिफरेंस तो अगला टर्म माइनस पिछला टर्म होता है। या फिर मैं बोल सकता हूँ वो ए एन माइनस वन भी हो सकता है, यानी कहीं भी अगर ऐसी चीजें देखेंगी तो वो डी बोला जाएगा। लाइक ये ए एन है तो इससे पहले वाला ए एन माइनस वन होगा। ओके, तो इतना आप ध्यान रखें। ओके, अब मैं ले रहा हूं यहां पे लास्ट टर्म, ये लेफ्ट हैंड साइड मैं यहां पर ले लेता हूं, ये तो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं सॉल्यूशन। तो आई एम टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट। देखो इसका कर दो आप रैशनलाइजेशन, क्योंकि नीचे क्या है प्लस है, तो साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो ऊपर कुछ ऐसा आ जाएगा रूट ए वन माइनस रूट ए टू, और नीचे जो है ये रूट ए वन प्लस रूट ए टू ऐसे रहेगा, और रैशनलाइजेशन से क्या होगा साइन चेंज होकर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाती है लाइक दिस। ठीक है, प्लस यहां पर भी कर दो आप रैशनलाइजेशन, हर एक टर्म में करो, तो कुछ ऐसा आ जाएगा साइन चेंज होते जाएंगे और नीचे ए टू माइनस ए थ्री। ठीक है, और प्लस ये प्लस है तो माइनस में भी आ जाएगा ये ए टू माइनस का ए थ्री। ठीक है जी, प्लस डॉट डॉट डॉट, यहां पर भी रैशनलाइजेशन इसका होगा तो ये आ जाएगा रूट ए एन माइनस वन माइनस रूट ए एन इन ब्रैकेट, एंड हियर इट इज रूट ए एन माइनस वन प्लस रूट ए एन, और ब्रैकेट में रूट ए एन माइनस वन माइनस रूट ए एन, कुछ ऐसा हो जाएगा आफ्टर डूइंग रैशनलाइजेशन। ठीक है, ऊपर क्या है, ऊपर देखो रूट ए वन माइनस रूट ए टू है। ठीक है, नीचे क्या है ए प्लस बी और ए माइनस बी, फॉर्मूला होता है ना ए प्लस बी, ठीक है, और ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ऐसा है तो ऐसा लिखा जाएगा। ठीक है, तो यही फॉर्मूला नीचे देखो हर एक एक्सप्रेशन में लग रहा है, तो ये क्या ए प्लस बी और ए माइनस वन, तो नीचे आ जाएगा ए वन माइनस ए टू। रीजन, क्योंकि रूट ए वन का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट के ए वन आ जाएगा, और रूट ए टू का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट के ए टू आ जाएगा, तो सब में ऐसा ही कुछ होने वाला है। ये ए टू माइनस का रूट ए थ्री अपॉन में आएगा ए टू माइनस ए थ्री। ठीक है, प्लस डॉट डॉट डॉट, यहां पर रूट ए एन माइनस वन माइनस का रूट ए एन, और अपॉन में आएगा ए एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस का ए एन, आई एम सॉरी। ठीक है, यहां तक बात आ गई। अब देखो यहां पर बात थोड़ी सी फंस रही है, क्यों, क्योंकि d है a2 टू माइनस ए वन और ये a1 वन माइनस ए टू, ये उल्टा है, तो एक काम करो माइनस नीचे से कॉमन लो और माइनस ऊपर से भी कॉमन लो, तो माइनस से माइनस हट जाएगा और ये बदल जाएगा, तो ऊपर वाला भी बदल जाएगा, क्योंकि अगर मैं माइनस कॉमन लूंगा तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस है वो माइनस, तो यानी इसका अगला स्टेप कुछ ऐसा हो जाएगा रूट ए टू माइनस रूट ए वन, और नीचे हो जाएगा ए टू माइनस ए वन, यहां पर भी माइनस कॉमन लिया होगा, यहां भी माइनस कॉमन लिया होगा, तो माइनस से माइनस हटा होगा और सारे साइन चेंज हो गए होंगे। ठीक है, आफ्टर टेकिंग माइनस कॉमन साइन चेंज हो जाते हैं, ये आपको मालूम है। डॉट डॉट डॉट, यहां पर भी माइनस कॉमन लिया होगा तो ए एन, और ये ए एन माइनस वन, और यहां पर ए एन और ए एन माइनस वन, कुछ ऐसा रहा होगा। ठीक है, अब आप इसमें देख सकते हो नीचे जो टर्म है, जैसे देखो ये टर्म, ये क्या है, ये तो पूरा डी है, देखो ये रहा डी, और देखो ये क्या चीज है, ये भी डी है, इसको भी डी बोल सकता हूं मैं, और ये क्या चीज है, ये भी देखो डी है, ये रहा, यानी इसकी, इसका जो नाम है वो डी है, इसका भी डी, इसका भी डी, तो एक काम करो डी कॉमन ले लो। ठीक है, इस पूरे को आप डी बोलो, इसको ऐसा ना बोल करके डी अज्यूम करो, ये भी डी, ये भी डी, तो डी बाहर आ गया, तो वन अपॉन डी कॉमन लिया, तो यहां क्या बचा, यहां बचा रूट ए टू माइनस का रूट ए वन, ये फर्स्ट टर्म है। ठीक है, यहां क्या बचा रूट ए थ्री माइनस का रूट ए टू। ठीक है जी, डॉट डॉट डॉट, और यहां क्या बचा रूट ए एन और माइनस का रूट ए एन माइनस वन। ठीक है, अब बड़े आराम से देखना, देखो ये फर्स्ट एक्सप्रेशन है, ये सेकंड एक्सप्रेशन है, फर्स्ट एक्सप्रेशन में ये नंबर सेकंड एक्सप्रेशन के लास्ट नंबर से कैंसिल आउट हो रहा है, देखो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ठीक है, ऐसे ही फिर ये सेकंड है, कोई थर्ड भी आया होगा तो उसमें ए थ्री उसके ए थ्री से कैंसिल हो जाएगा, तो ऐसे ही फिर ऑटोमेटिक आप समझ जाओ कि इसके पहले वाला एक्सप्रेशन में पहले वाला नंबर इस नंबर को काट रहा होगा, है ना। पैटर्न देख लो यहां पे कि अगर दो पेयर की बात हो रही है तो दो पेयर में पहले पेयर का पहला और दूसरे पेयर का दूसरा प्लस माइनस की वजह से कट रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब यह है कि पूरे एंटायर सीरीज में एक तो ये जिंदा बचा और एक ये जिंदा है, बाकी सब डेड हो गए। ठीक है, तो इसको अच्छे से लिखा जाएगा लाइक दिस, वन अपॉन डी, और ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव को पहले लिख लेता हूं और नेगेटिव को बाद में। यहां तक बोलो बात पकड़ में आई कि नहीं आई, ठीक है, आगे समझ। तो मैं अब रब कर रहा हूं, आप इतना पहले नोट करो, समझो अच्छे से जी। आगे देखो आंसर हमें लेके आना है ऐसा, तो अभी तो आया नहीं,
तो इसके अपॉन में लेट करो वन और कर दो रैशनलाइजेशन। देखो जो बच्चा इलेवंथ में आता है टेंथ पास करके, उसको ऐसा लगता है कि रैशनलाइजेशन हमेशा नीचे से ही होता है क्योंकि टेंथ में उसने ऐसे एक्सप्रेशन देखे थे, बट ऐसा नहीं है। रैशनलाइजेशन न्यूमरेटर से भी हो सकता है और डिनोमिनेटर से भी हो सकता है, पर्पज सिर्फ एक होता है, साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो टेंथ में जो आपने देखा था यहाँ पर थोड़ा सा एडवांस हो गया है, तो ये माइनस है। पहले तो उसको ऐसे ही लिखो जो आपका लिखा हुआ है, ये रूट ए वन, अब कर दो उसका रैशनलाइजेशन। कैसे करते हैं? साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। तो रैशनलाइजेशन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से हो सकता है, ये बात आप अब ध्यान रखो। टेंथ में ऐसा कुछ शायद कम आया होगा इसलिए आपको पता नहीं है। ऊपर देखो a माइनस बी और a प्लस बी, तो फॉर्मूला बन गया a माइनस बी और a प्लस बी का, तो ऊपर बन गया ए एन माइनस का ए वन और नीचे जैसा है वैसा ही रहने दो। तो देखो आंसर आने के कुछ कुछ चांसेस दिख रहे हैं, नीचे तो आ गया एक्सप्रेशन। ठीक है, अच्छा आपको मालूम है ना कि एपी के अंदर nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन डी, है ना। तो ये फॉर्मूला यहां पर लगा दिया जाएगा, डी रहेगा एज इट इज, ए एन की जगह ए प्लस एन माइनस वन और डी, और ये ए वन उधर एज इट इज। नीचे नीचे रूट ए वन प्लस रूट ए एन है, मतलब इसने पहले इसको लिखा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस में किसी को भी पहले लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ए वन से ए वन हो गया कैंसिल, भाई ए वन को ए ही तो बोलते हैं, तो ए वन और ए एक ही बात है ना। बचा यहाँ पे डी, डी से ये डी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, ऊपर एन माइनस वन बचा और नीचे क्या बचा, रूट ए वन प्लस रूट ए एन। तो दिस इज योर राइट हैंड साइड, इस तरह से इसको सॉल्व करना था। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पलर का इसे कर लेना, प्राइवेट स्कूल के अंदर आता रहता है। देखिए दो क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं, पहला या दूसरा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं आपको इसके अंदर बता देता हूँ, वही लॉजिक आप अपनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर टू बताता हूँ आपको। देखो जब भी कोई क्वेश्चन ऐसा है ना, हमेशा आप इसमें दो एक्सप्रेशन होंगे, एक फर्स्ट और एक सेकंड, एक फर्स्ट और एक सेकंड। तो इसको आप ए बोलना, इसको आप बी बोलना, आपसे मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो आप यूज करना ये वाला कॉन्सेप्ट। देखो अर्थमेटिक मीन हमेशा ग्रेटर देन होता है ज्योमेट्रिक मीन के, ये बात आप याद रखें, अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन के हमेशा बड़ा होता है, इक्वल भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है अगर नंबर दोनों सेम हो जाए, लेकिन अगर नंबर दोनों अलग अलग है तो हमेशा अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन होगा ज्योमेट्रिक मीन से। तो ए एम का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी बाई टू और ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए बी। अब इसमें से कोई सा भी न्यूमेरिकल आप मेरे से पूछ सकते हो, ये ए है और ये बी है, ये ए है और ये बी है। सपोज करो मैं आपको बताता हूँ टू, तो ए की जगह कितना आएगा, थ्री की पावर एक्स, बी की जगह थ्री की पावर माइनस एक्स, अपॉन में कितना है टू, ग्रेटर देन इक्वल, अंडर रूट में ए की जगह थ्री एक्स इन टू बी की जगह थ्री की पावर माइनस एक्स, थ्री की पावर एक्स एज इट इज, थ्री की पावर माइनस एक्स एज इट इज, अपॉन में टू, ग्रेटर देन इक्वल, ये बन गया वन। रीजन देखो बेस सेम है, पावर ऐड होंगी, तो पावर ऐड होंगी तो थ्री की पावर बनेगा जीरो, और आपको पता है किसी भी नंबर की पावर जीरो हो तो उसकी वैल्यू वन बन जाती है। तो थ्री की पावर एक्स प्लस थ्री की पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई टू ग्रेटर देन इक्वल वन बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद आपके पास कुछ ऐसा आया। तो देखो ये वाला एक्सप्रेशन सेम टू सेम यही आ गया, ये दो से बड़ा है, मतलब इसकी वैल्यू दो से बड़ी कितनी भी हो सकती है, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट हमें नहीं पता, लेकिन ये पता है कि मिनिमम दो ही रहेगा, दो से नीचे नहीं जाएगा, तो उसका मतलब मिनिमम वैल्यू हमारी टू निकल के आ गई। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन कॉम्पिटिशन में भी आते हैं, कुछ प्राइवेट स्कूल में भी आते हैं, एनसीईआरटी के अंदर नहीं है ये क्वेश्चन। और देखिए लॉजिक वही रहेगा, इसने कहा है इस पूरे की मैक्सिमम वैल्यू बताओ, मैक्सिमम कहा इसने। तो देखो यहाँ पे तीन चीजें, एक एक्स है, एक वाई है और एक जेड है। तो आपको मालूम है कंडीशन क्या, कि हमेशा अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल होता है ज्योमेट्रिक मीन के। तो दो दो करके वो बनाओ पेयर, तो आप बोलो एक्स प्लस वाई अपॉन टू, ये इसका अर्थमेटिक मीन है ग्रेटर देन, ये इसका ज्योमेट्रिक मीन है एक्स वाई करके। ओके, इसको बोलो फर्स्ट, ऐसे रहने दो। फिर ले लो वाई जेड को, तो y प्लस जेड का अर्थमेटिक मीन ये आएगा, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल अंडर रूट वाई जेड, ठीक है, सेकंड हो गई। फिर ले लो थर्ड को, x और z को, तो x प्लस जेड का अर्थमेटिक मीन ये आएगा, ग्रेटर देन इक्वल एक्स जेड हो गया, इक्वेशन नंबर थर्ड हो गई। ठीक है, यहां तक कोई इश्यू वाली बात नहीं है। अच्छा जी, अब कर दो इनकी मल्टीप्लाई, इक्वेशन वन मल्टीप्लाई इक्वेशन टू मल्टीप्लाई इक्वेशन थ्री। रीजन क्योंकि हमें ऐसा एक्सप्रेशन चाहिए, तो इन सबकी मल्टीप्लाई जब आपस में होगी तो कुछ ऐसा आ जाएगा, x प्लस वाई, वाई प्लस जेड और जेड प्लस एक्स, ठीक है, और डिवाइड में हो जाएगा एट। रीजन टू इंटू टू इंटू टू एट, और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो अंडर रूट के अंदर देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि अंडर रूट की मल्टीप्लाई जब अंडर रूट में होगी तो अंदर अंदर के मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो एक्स वाई इंटू वाई जेड इंटू एक्स जेड कुछ ऐसा बन जाएगा।
एक्स प्लस वाई ऐसी रहेगा, वाई प्लस जेड ऐसी रहेगा, जेड प्लस एक्स ऐसी रहेगा। अच्छा ये साइन ऐसी रहेगा, ये साइन कैसा है, साइन यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल का है, ठीक है जी। अपॉन में कितना है 8, ये अंडर रूट से जैसी हटेगा यहाँ पर, ये वैल्यू अंडर रूट से हट जाएगी, ठीक है। ये मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए कहा है इसने, मिनिमम, वो गलती से मैंने मैक्सिमम लिख दिया था। तो ये अंडर रूट से बाहर निकलेंगे तो एक्स वाई जेड निकलेंगे, और इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू देखो 1 है। अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल 8, मतलब इसकी वैल्यू 8 से बड़ी होगी। कितनी बड़ी होगी हमें नहीं पता, लेकिन कम से कम तो 8 होगी, तो मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो यहां पर मिनिमम वैल्यू के लिए कहा था, जो पॉसिबल है वही तो पूछेगा, ठीक है जी। न्यूमेरिकल देखिए एक्स्ट्रा है, इसने कहा है लीस्ट वैल्यू, मतलब कम से कम वैल्यू बताओ एन की, अगर ये कंडीशन हमारे पास है। तो देखो ये जीपी है, इसके अंदर ए कितना है 1, आर कितना है कॉमन रेशियो 3/1 3 हो जाएगा, और एन तो यहां पर एन है, आर की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो सम का फॉर्मूला होगा ए आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 7000 चल रहा है। ए की वैल्यू पुट करो 1, ठीक है, आर की वैल्यू पुट करो 3, तो 3 की पावर एन माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ पुट करो 3-1 2 हो जाएगा, ग्रेटर देन 7000 आपके पास क्वेश्चन के अंदर चल रहा है, ठीक है। 2 से कर दो मल्टीप्लाई, 3 की पावर एन माइनस 1, ये आ जाएगा आपका 14000, ऑलराइट 14000 आ गया। इसके बाद 1 को उधर भेज दो, तो 3 की पावर एन इज इक्वल टू आ जाएगा 14001, ओके। अब आपके पास हिट एंड ट्रायल है, इस एक्सप्रेशन के अंदर एन की वैल्यू रखते रहो, और जब तक वैल्यू इससे बड़ी ना आ जाए तब तक आंसर मत रोको। जैसे आपने रखा एन की वैल्यू 1, तो आंसर आया 3 की पावर 1 जो कि 3 है, तो 3 इससे बड़ा नहीं होता, तो ये फेल हो गया। अब रखिए एन की वैल्यू 2 इसमें, तो 3 की पावर 2 आंसर आया, 3 की पावर 2 कितना होता है 9, 9 नंबर इससे बड़ा नहीं है, ये भी फेल हो गया। फिर एन की वैल्यू 3 रखो, एन की वैल्यू 4 रखो, ऐसे करते करते ना एन की वैल्यू 8 जब रखोगे तो 3 की पावर 8 बनेगा, ठीक है। ये तो हिट एंड ट्रायल है गाइस, ऐसे करते करते आप आ जाओगे एन इज इक्वल टू 9 पर। तो जब इसमें रखोगे ना 3 की पावर 9, तो सॉल्व होते होते ऐसी वैल्यू आएगी जो इससे बड़ी होगी, 14001 से बड़ी होगी, तो इसका मतलब एन की वैल्यू यहां पर 9 है, लीस्ट कम से कम वैल्यू 9 है, दिस इज द आंसर, ठीक है। तो इसमें हिट एंड ट्रायल लगाना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, इफ देयर आर 2n+1 टर्म इन एन एपी, ठीक है। अगर ये 2n+1 टर्म ना लिखा होता तो ऐसे करके लिखा होता कि देयर आर ऑड टर्म्स, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी, ठीक है। तो अगर 2n, ये यानी इस स्टेटमेंट का मतलब 2n+1 टर्म होता है, तो ये ध्यान रखना, कभी कभी एग्जाम में ये चीज बदल के आ जाती है, 2n+1 ना लिख करके देयर आर ऑड नंबर ऑफ टर्म लिख देता है। तो ऑड नंबर ऑफ टर्म लेगा तो 2n+1 लेना है आपको। तो कह रहा है प्रूफ दैट रेशियो सम, नहीं प्रूफ दैट रेशियो ऑफ द सम ऑफ ऑड टर्म एंड सम ऑफ द इवन टर्म n+1 रेशियो n है, ठीक है। तो देखो सम निकालना है पहले हमें ऑड टर्म्स का, ऑड टर्म्स, तो ऑड टर्म्स का सम क्या होगा, यानी a1+a3 .. लास्ट टर्म होगा a2n+1, क्योंकि लास्ट टर्म तो 2n+1 होगा, क्योंकि यहां पर टर्म कितने 2n+1। सम का फॉर्मूला होता है, अगर आपको याद हो, n नंबर ऑफ टोटल टर्म डिवाइड बाय 2 और फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये सम का फॉर्मूला है एपी के अंदर, ये वाला n/2a+l, ठीक है। अब बात आती है यहां पर n क्या लेना है, नंबर ऑफ टर्म कितना लेना है। देखो ऑड टर्म इवन टर्म से एक ज्यादा होंगे, रीजन ये है कि पूरी सीरीज के अंदर ऑड नंबर ऑफ टर्म है, लाइक 11 टर्म है, 21 टर्म है, 31 टर्म है, 19 है, कितने भी हैं, लेकिन टोटल टर्म जो है वो ऑड है। तो ऑड टर्म अगर पूरी सीरीज के अंदर होंगे तो ऑड जो नंबर होंगे ना वो एक ज्यादा होंगे इवन नंबर से, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, तो हम लेते हैं यहां एन, बट यहां लेंगे हम n+1, क्योंकि एक नंबर ज्यादा होगा, डिवाइड बाय 2, ए कितना है फर्स्ट टर्म a1 को ए बोलते हैं, और L कितना है लास्ट टर्म जो है a2n+1, ठीक है। यहां लगा दो n टर्म का फॉर्मूला, तो n+1/2 ऐसी रहेगा, a ऐसी रहेगा, और a2n+1 का फॉर्मूला लगेगा a+n, ये है पूरा आपकी बार, ठीक है। ये वाले को n मानेंगे क्योंकि ये n टर्म का फॉर्मूला लग रहा है, इससे इसका कोई मतलब नहीं है। तो यहां आएगा 2n+1 और -1, और ये d ऐसी रहेगा, ये वाला टर्म इसका है और ये वाला टर्म इसका है, ठीक है। a1 को ही a बोला जाएगा, आगे ये सॉल्व होगा तो n+1/2 इधर a रहेगा, बल्कि मैं तो इसे 2a बोल देता हूं, ठीक है। a और a 2a हो गया, और ये क्या हो गया, ये हो गया 2nd, इस तरह से 2 ले लो यहां से कॉमन, तो फर्दर ये निकल के आएगा n+1
और यहां निकल के आएगा ए प्लस एन डी। ओके, ये इक्वेशन नंबर हो गई फर्स्ट। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे। मैं इसको यहां से हटा देता हूं। अब निकालता हूं मैं सम किसका, इवन टर्म्स का, तो इसको मैं नाम दूंगा एस टू। एस टू होगा ए टू प्लस ए फोर डॉट डॉट डॉट, लास्ट में आएगा ए टू एन। रीजन, टोटल टर्म टू एन प्लस वन है, तो उससे एक जस्ट पहले वाला तो टू एन होगा ना, क्योंकि प्लस वन का मतलब एडवांस और माइनस का मतलब पीछे आ जाना, तो ये टर्म होगा। तो इसका भी फॉर्मूला वही होगा एन बाय टू, यहां पर एन बाय टू लेना है। रीजन, क्योंकि देखो ऑड वाले में एक फालतू है इसलिए प्लस वन लिया, इवन वाले में तो एक वही रहेगा फॉर्मूला जो होता है एन बाय टू। यहाँ क्या आएगा ए प्लस एल, ए कितना है ए टू, ठीक है, और एल कितना है, एल हमारा टू एन है लास्ट टर्म। एन बाय टू ऐसे रहेगा, ए टू की जगह बोलो ए प्लस डी, ठीक है, एपी का एन एट टर्म सेकेंड टर्म, और इसकी जगह बोलो ए प्लस टू एन माइनस वन डी। इस तरह से फर्दर ये सॉल्व होगा तो एन बाय टू रहेगा। यहाँ क्या होगा देखो, ए और ए हो जाएगा टू ए, ठीक है, और ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कॉमन अगर ले लेंगे डी इसमें, तो डी कॉमन लूंगा तो ये बचेगा टू एन माइनस वन प्लस वन, ठीक है, तो टू एन बचेगा, टू एन डी, टू कॉमन ले लो, टू कॉमन लेते ही एन और ए प्लस एन डी बचेगा, इक्वेशन नंबर टू। अच्छा, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है रेशियो, तो निकाल लो आप रेशियो एस वन डिवाइड बाई एस टू, तो एस वन का आंसर ये रहा। तो इस आंसर के अपॉन में जब ये वाला आंसर आएगा तो इस वाले से ये वाला एक्सप्रेशन कैंसिल और एन प्लस वन बाई एन, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो ध्यान रखने वाली बात इसके अंदर ये एन प्लस वन है, बाकी सब इजी है। ओके जी, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जरूर कर लेना, प्राइवेट स्कूल में आता है। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, स्टे ब्लेस्ड।